सब्सक्राइब कीजिए बिजू टेक्निकल इंजीनियरिंग चैनल को और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट अपलोड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिजन कुमार प्रधान और आप देख रहे हैं बिजू टेक्निकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है ब्लूटूथ स्पीकर और आज मैं इसके बारे में ही आपको कुछ बताऊँगा और टेस्ट करके दिखाऊँगा। तो फिर इसका मॉडल है GBT 270। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। और दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया यानी कि बहुत ही अच्छा सा ये स्पीकर है। इसे आप अपने मोबाइल किसी भी मोबाइल के जिसमें ब्लूटूथ डिवाइस है, आप उसमें इसको कनेक्ट करके इसको आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो। तो फिर चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो फिर दोस्तों, मैं इसको खोलना भी शुरू कर चुका हूँ और खोलने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा एक 2.5 mm जैक का साइज में एक कॉर्ड मिलेगा, जिसका दोनों साइड आप एक साइड को मोबाइल में कनेक्ट कर लीजिए और उसके बाद दूसरे साइड को आप इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कनेक्ट कर लीजिए। और ये है उसका चार्जर एडाप्टर। तो फिर उसके बाद इसको मैं निकालूंगा अभी, ये काफ़ी टाइट है क्योंकि अगर इस तरह से कुछ प्रोटेक्शन इसे ना दिया जाए तो फिर ये डैमेज भी हो सकता है, इसलिए क्यूबन कंपनी ने इसे ऐसे ही डैमेज प्रोटेक्टर के साथ इसे पैकिंग करके दिया है। तो फिर ये इसको मैं अभी ओपन कर चुका हूँ। तो फिर ओपन करने के बाद मैं इस प्रोटेक्शन कवर को सबसे पहले निकाल दूंगा दोनों साइड के। तो फिर आप देख सकते हो, ये है एक प्रोटेक्शन कवर और दूसरे साइड का ये प्रोटेक्शन कवर। तो इसे मैं अलग कर देता हूँ अभी और उसके बाद इस कवर को मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यह है वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर और ये खास वायरलेस स्पीकर नहीं, इसके साथ और बहुत सारे भी फीचर्स भी दी गई है। तो फिर उसे मैं बाद में बताऊंगा। तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों साइड में दो स्पीकर लगा हुआ है और बीच में वो एक सैम्पल्स है, लेकिन वो कुछ भी स्पीकर कुछ भी नहीं है। और इसका पिछला साइड आप देख सकते हो, इसका मॉडल नंबर है GBT 270 और इसका कुछ स्पेसिफिकेशन भी दी है। और यह है ऑन ऑफ स्विच, यह है डीसी चार्जिंग सॉकेट, यह है यूएसबी, यह है टीएफ स्लॉट और ये जो रहा यह है ऑक्स इनपुट। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, ये जो कुछ इंडिकेटर्स हैं और ये कुछ बटन्स भी है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फिर आपको थोड़ी सी मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो फिर इसे इसका जो नीचे वाला साइड है, इसमें आप देख सकते हो 4 लेग पीस भी लगा हुआ है, यानी कि ये आपको इसको ऐसे ही बैठा देना है, बस इसे आप रख दीजिए। दोस्तों, ये काफ़ी लाइट वेट है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो फिर चलिए, मैं अभी सबसे पहले आपको एक मोबाइल के साथ इसे आपको मैं चला करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस ब्लूटूथ स्पीकर को आप ऑन कर लीजिए। चलिए, मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये जो स्विच आप देख रहे हैं, ये अभी ऑफ पोजीशन में और उसे अभी मैं ऑन पोजीशन में कर दूँगा। और ऑन पोजीशन में करने के बाद आप यहाँ पर कुछ एक ब्लू कलर का इंडिकेटर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लिंकिंग हो रहा है और एक ग्रीन कलर का भी ब्लिंकिंग हो रहा है। फिर दोस्तों, ऐसे ही आप देखने के बाद आप सबसे पहले मैं इसे बैठा देता हूँ उसकी पोजीशन में, जैसा ही मैंने वीडियो में दिखाया था। आप देख सकते हो, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन करते ही ये दोनों एलईडी ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक मोबाइल में, कोई भी मोबाइल हो जिसमें ब्लूटूथ डिवाइस होगा, वो मोबाइल को
डिस्प्ले से आप उसमें ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिए, और ब्लूटूथ को ऑन करने के बाद आप सेटिंग में जाइए, और अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो फिर इस तरह से कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, और रिफ्रेश करने के बाद ये आ गया ब्लूटूथ डिवाइस यूबोन GBT270। जिस मॉडल का ये है तो फिर ये दिख रहा है कि आप कॉन्टैक्ट्स को अलाउ करना है या नहीं करना है, मेरे तो अलाउ कर दिया। तो फिर अलाउ करने के बाद कनेक्टिंग में पेयरिंग में आप क्लिक कर लीजिए, और पेयरिंग में क्लिक करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आप ऐसे ही यूट्यूब यानी कि यूट्यूब या फिर कोई भी म्यूजिक आप प्ले करना शुरू कर दीजिए। तो फिर जैसे ही आप शुरू करेंगे तो फिर आपका मोबाइल का स्पीकर जो है वो प्ले होगा नहीं, डायरेक्ट ब्लूटूथ स्पीकर बजना शुरू हो जाएगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते, जैसे ही मैंने किया आप बिल्कुल वैसे ही कीजिए। तो फिर चले मैं अभी आपको साउंड देख करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो तीनों बटन आप देख रहे हो, ये तीनों बटन मोबाइल के साथ ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जब आप इस एरो हेड को आप देख लीजिए, और ये एक इंडिकेट करता है कि आपकी जो सॉन्ग्स है वो नेक्स्ट में जाए, और जो लेफ्ट साइड में है वो इंडिकेट करता है कि आपकी जो म्यूजिक है वो बैक हो जाए। तो फिर आप जैसे ही ये दोनों बटन को आप किसी भी एक को दबाओगे, तो फिर अगर आपने नेक्स्ट वाले बटन को दबाओगे तो फिर आपके मोबाइल का जो म्यूजिक है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट म्यूजिक को प्ले करेगा। तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मैं आपको फिर से एक बार कॉन्फर्म कर देना चाहता हूँ। और जैसे ही मैं दबाऊंगा एक स्विच को, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी ये सॉन्ग यानी कि ये म्यूजिक प्ले हो रहा है, और मैं एक बटन को मैं प्ले कर देता हूँ, और उसके बाद एक बटन को मैं प्रेस करूँगा। इस बटन को प्रेस करूंगा अभी। तो फिर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने प्रेस किया, ये जो वीडियो है ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट पर चला गया। तो फिर मैं अभी फिर से बैक बटन को क्लिक किया, और फिर से ये म्यूजिक यानी कि ये वीडियो फिर से प्रीवियस म्यूजिक चलना शुरू हो गया। तो फिर दोस्तों ये है ऑटो कनेक्ट डिवाइस। तो फिर दोस्तों मैं अभी आपको इसके रियल साउंड को देख करके दिखाऊंगा, और ये जो बटन है दोस्तों ये नहीं आ रहा है, क्योंकि ये है जबकि आपने इसे सोच लीजिए कि आप अभी आपके मोबाइल पर एक कॉल आया, तो फिर कॉल आने के बाद ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसमें आपके जो कॉलर टोन या सॉरी आपकी जो रिंगटोन है इसमें बजना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपने मोबाइल आपके पास अगर नहीं होगा तो फिर आप ये बीच वाले ये जो ब्लूटूथ स्पीकर के बीच वाले बटन को दबाकर आप डायरेक्टली इसमें बात कर सकते हो। तो फिर दोस्तों ये जो है इस ये जो पिन है इसे आप मोबाइल में पुश कर लीजिए, और मोबाइल के एक तरफ पुश कर लीजिए, और जो दूसरा रहा उसको आप इस वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर के पिछले साइड की जैक्स जो ऑक्स जैक्स है उसमें आप इन कर दीजिए। तब और ये जो है ये है चार्जिंग केबल, आप इसे
अपने मोबाइल चार्जर के साथ कनेक्ट कर लीजिए, और इसके जो पीछे साइड छोटा सा साइज है इसे आप इसके पीछे में कनेक्ट कर लीजिए और ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो फिर दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल बिजू टेक्निकल इंजीनियरिंग।